नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरें देते रहे। दोस्तों, अगर आप आरसीबी टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आरसीबी टीम कागजों पर हमेशा से ही मजबूत टीम नज़र आती है, लेकिन जब बात आती है प्रदर्शन की तो यह टीम कभी भी उम्मीदों पर खरी उतरती नहीं दिखी है। इस टीम में एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के रूप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के होते हुए भी अभी तक आरसीबी टीम एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है। आईपीएल 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद बेंगलोर फ्रेंचाइजी टीम में कुछ बदलाव करना चाहेगी। दोस्तों, आरसीबी अपना अगला मुकाबला 28 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी। टीम प्रबंधन ने इस बार युवा प्रतिभाओं पर भरोसा दिखाया है, जो कि एक अच्छा फैसला है। आगामी मैचों में हम कुछ नए चेहरों को आरसीबी की किस्मत बदलते देख सकते हैं। यह वे खिलाड़ी हैं जो पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं। दोस्तों, इनमें से सबसे पहला नाम आता है प्रयास रे बर्मन का। दोस्तों, बर्मन घरेलू लीग में बंगाल के लिए खेलते हैं। इस 16 वर्षीय प्रतिभाशाली लेग स्पिनर को आरसीबी ने आईपीएल नीलामी में 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। पीआर बर्मन ने पिछले साल सितंबर में जम्मू कश्मीर के खिलाफ अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी और कुछ ही महीनों के भीतर ही उन्होंने दुनिया की शीर्ष टी20 लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। आरसीबी के पास युजवेंद्र चहल के रूप में एक बेहतरीन लेग स्पिनर है, लेकिन बर्मन के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वह आने वाले मैचों में आरसीबी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं देवदत्त पड्डीकल। आरसीबी के एक और युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी देवदत्त पड्डीकल शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं। 18 वर्षीय इस बल्लेबाज ने 2018 में कर्नाटक के लिए अपना पहला मैच खेला था। यदि हेनरिक क्लासेन को टीम में चुना जाता है और यदि एबी डिविलियर्स विकेट कीपर की जिम्मेदारी संभालते हैं, तो पड्डीकल को पार्थिव पटेल की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, वह कप्तान कोहली के साथ पारी की शुरुआत करने उतर सकते हैं। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली की वजह से वह कोहली के साथ मिलकर आरसीबी को तूफानी शुरुआत दिला सकते हैं। प्लेऑफ के पहले 6 ओवरों में वह तेज़ी से बल्लेबाजी करने में सक्षम है और दूसरे छोर से वह कोहली के साथ लंबी साझेदारी कर सकते हैं, तो ऐसे में उनकी टीम में मौजूदगी आरसीबी पर लगा चोकर्स का दाग मिटा सकती है। तो दोस्तों, ये दोनों ही खिलाड़ी काफ़ी युवा हैं, काफ़ी प्रतिभाशाली भी हैं। अगर आरसीबी टीम में इन दोनों खिलाड़ियों को जगह मिलती है तो इन्हें भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।